इतने प्यारे बच्चे हैं भाई साहब। ओ भाई कितने भाई, अभी हमारे भाई आ चुके हैं। ये रहे हमारे अदनान भाई और रियान भाई, आए थे सिलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्वागत है आपका फिर मेरे नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे कि देख सकते हैं 12:18 पे आज को लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जैसे कि जुम्मे का दिन है तो मैं तैयार हो चुका हूँ, देख सकते हैं नहा लिया था। और ये मेरा मतलब जो मैंने पिछले हफ्ते मतलब ये कुर्ता पहना था, अभी मैं ब्लैक वाला कुर्ता पहन नहीं निकालना। हो सकता है मैं शिवरात आ रही है तो शिवरात को पहन लूँ, क्योंकि इस टाइम हमारे घर के हालात खराब चल रहे हैं। मेरा पुणे इस टाइम उनका पैसे ऐसे भी आने रहे तो यहाँ पे भी नहीं भेज पा रहे, तो पता नहीं अभी क्या ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रूम का रेंट भी नहीं दे रखा 2 महीने का, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को भी और अम्मी को भी। भाई इतनी टेंशन लेता नहीं, और ना सिस्टर तो मतलब अपना पढ़ाई वढ़ाई में रहती है, और ब्रदर जो मेरा भाई है वो अपना फ़ोन वोन में बिजी रहता, गेम वेम खेलता रहता, इसी वजह से। सो हम नहा धो के रेडी हो चुके थे, फिर जल्दी से हम आ गए अपने इस रूम में और घड़ी वड़ी पहनी, तैयार हो गया और टोपी लगा रखी है, मैं कहीं जाऊँ। देख सकते हैं अभी मैं कहीं जा ही हूँ भाई साहब, बिल्कुल ही शर्म से आते हैं। पर शर्म किस बात की, मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने टोपी फिर भी लगा ली, वरना फिर टोपी का ही बना लेता था, तो कोई बात नहीं गाइस। अभी तेल भी लगाना है सर में। सो अभी हमने ये कुर्ता पहन रखा है और नीचे ये पैंट है, एक मतलब वाइट कलर की है और थोड़ी सी जीन्स टाइप में। सो गाइस आज जैसे कि जुम्मे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। सो जल्दी जल्दी जाइए, आप सबों ने नमाज तो पढ़ी होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि व्लॉग आएगा कल। और गाइस मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, नमाज पढ़ा कीजिए बिल्कुल ही, 5 टाइम की नहीं तो 4 टाइम के पढ़ा कीजिए, बहुत स्वभाव होता है। अपने भाई साहब अल्लाह को भी याद करना बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी एक ईमान होता है, क्योंकि अंदर से हमारी रूह भी जो है ना नमाज को बोलती है। अगर जैसे कि आपका एक दोस्त का फ़ोन आया, सो वो आपको बुलाएगा कि दोस्त जल्दी से आ जाओ, तो आप तो उसी टाइम चले आओगे। अगर अजान होती है तो आप लोग अजान होती है तो उसमें आता है हियाल सलाह हियाल फला, मतलब हमारे को अजान है ना कॉल कर रही है कि नमाज पढ़ना हो नमाज पढ़ना हो। हमारी रूह को है ना शैतान भटका देता है कि इधर चले आओ, वो काम आ गया ये काम आ गया। सो गाइस नमाज जरूर से ज़रूर पढ़िए, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, नमाज तो जरूर पढ़िए, और 5 टाइम के लिए तो 4 टाइम की जरूर से जरूर पढ़िए। और अभी हम जा रहे हैं छत पे धूप लगाने, क्योंकि ठंड लग रही है भाई, ठंडे ठंडे पानी से ना एकदम चिल्ड पानी से। सो अभी हम जा रहे हैं छत पे मतलब धूप लगाने, और उसके बाद आएंगे तो नाश्ता ला के दे देंगे। मम्मी को नाश्ता भी ला के दिया नहीं है, बताओ हम एक बजे तो नाश्ता करते हैं। आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज मेरा भाई जाएगा स्कूल, हो सकता है अभी देखता हूँ, मेरे भी कंफर्म नहीं है, मैं भी जा सकता हूँ स्कूल। सो अभी देखते हैं क्या करेंगे, तो पहले जल्दी से चलते हैं छत पे। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम छत पे, और भाई धूप हो रही है एक नंबर भाई साहब, देख सकते हैं मैं तो सूरज को देखने भी नहीं हो रहा है, हाय कितनी एंड धूप आ रही है। और यहाँ मुर्गे खोल रहे हैं, अब है ना मुर्गे के बच्चे भी लेके आ गए, तो उसके अंदर बंदे तो अभी खोलेंगे नहीं, ना ये मार मार के ना जान से मार देंगे, इतने खतरनाक ही हो गए, बड़े बड़े हो गए भाई साहब। ये मुर्गी देख सकते हैं भाई, डर भी लगता है मुझे, और तेरी आराम से आए, बहुत डर लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। और भाई एरोप्लेन जा रहा है देख सकते हैं, पता कहाँ गया एरोप्लेन दिखने का। सो गाइस अभी एरोप्लेन जा चुका है, और वो मतलब बादलों में एकदम ऐसा था, वो छुपा हुआ आवाज़ तो यहाँ पे आ रही है, मतलब इतनी ऊपर है तब भी। सो अभी मुर्गे भी देख सकते हैं क्या भाई, बड़े बड़े होगा, मैं देखता हूँ देखिए मैं आवाज़ सुनाता हूँ मुर्गे के बच्चों की, देखिए यहाँ पर है भाई सब, इतने फुदकते हैं ना इन जालियों से, दिखे देख सकते हैं दिख रहे होंगे, तो वह कितने सौर है भाई साहब, कितने ले आगा फिर भाई, ओ भाई बहुत सारे बच्चे, और यहाँ अगर खोल दिया ना तो मार देंगे भाई, बहुत मारेंगे बच्चे। और भाई देख सकते हैं वहाँ मज़ा आ रहा भाई धूप लगाने में, तो बड़ा एंड मज़ा आ रहा भाई साहब। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा उठाते हैं, वो आ देखिए आ रहा है। सो इनका बाजरे देख सकते हैं यहाँ पर रखा रहता है, और इनका घर बड़ वालों का यहाँ पर है, और ये यहाँ पर अभी घूम रहे हैं तो थोड़ा धूप ऊप लगा रहे हैं। सो इन्होंने देख सकते हैं मट्टी वट्टू बिल्कुल ही कैसे फैला रखा, पूरा पौधे वौधे ने बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सो गाइस अभी धूप लगाते हैं जल्दी से, देख सकते हैं अभी मैं उठा के देख रहा हूँ, मेरे अंदर चिल हो रही है ना, तो दिखा देता हूँ, देखे इतने प्यारे बच्चे हैं भाई साहब, ओ भाई कितने मजे के भाई, देखे अभी वो चलने के लिए भाई साहब बंद कर दो ऐसे, तो मुर्गा भाई बोलने भी लग गया। सो गाइस अभी धूप लगा लिए, चल जल्दी से नीचे।
तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नमाज पढ़ के। मैं ऊपर से सीधा नीचे आके चले गया था नमाज पढ़ने, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था, लेट हो गया था मैं। अभी हमजा भी देख सकते हैं आ चुका है नमाज पढ़ के। अभी हम जल्दी से मम्मी को नाश्ता ला के देते हैं। फिर हम नाश्ता कर लेंगे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अभी तो कुछ खाया पिया नहीं है। और अभी जल्दी से चलते हैं नाश्ता लेकर आते हैं, घर पर मिलेंगे आपसे। गाइस मैं आ चुका था नाश्ता लेके, और अम्मी ने नाश्ता करा भी दिया, और अम्मी ने दे दिया था देख सकते हैं चावल, क्योंकि अम्मी ने रात बनाए थे मटर पुलाव। मतलब ऊपर से हमारे यहाँ का अभी सिलेंडर जो है ना ख़त्म हो चुका है, तो ऊपर से बना के लाई थी, मतलब हाफिज भाई घर पे से मुझे बताना पड़ जाता है कभी कभी, तो मैं सच ही बोल देता हूँ क्योंकि झूठ बोल के क्या फ़ायदा। अम्मी बना के लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर में हो चुका है सिलेंडर ख़त्म इसी वजह से, और बहुत परेशानी है इस टाइम, क्या कर रहे हैं, हालत बहुत ख़राब चल रहे हैं। मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज चाय पीने के बाद भी, तो मैंने मंगा लिया ये अम्मी से मटर चावल के। मैंने अम्मी जो भी रखा हुआ तुम दे दो, भूख लग रही है। और मुझे अभी अभी पता चला है कि एक दोस्त आ रहे हैं हमारे सिलमपुर से, अपनी नानी के आएंगे, तो उन्हें मैंने रास्ता बता दिया, पर वो यहीं उतरेंगे यहीं मेट्रो स्टेशन पर, फिर वो यहाँ से मिल मिल के अपनी नानी के चले आएंगे। अभी देखते जल्दी से पहले चावल खाते, मतलब खाना खा लेते, एक तरह से खाना ही हो गया है हमारा, टाइम भी पता नहीं। हमारी स्मार्ट वॉच चार्जिंग पे लग रही है देख सकते हैं वहाँ पे। गाइस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे जो कैमरे में है ना कभी कभी ब्लर हो जाता है कुछ चीज़, जैसे मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ घुमाने वुमाने में ब्लर हो जाता है। गाइस वो मेरे थोड़े से फ़ोन की दिक्कत है, वो एंड्रॉयड है इस वजह से, वरना आईफोन होता ना तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, उसकी क्लियरिटी अच्छी भी होती है, और उसमें मतलब पिक्सल विक्सल नहीं फटते, हाई क्वालिटी में आती है, और ये धुंधला वुंधला नहीं होता है। अभी जल्दी से हम खाना खा ले, उसके बाद अपने दोस्त को भी लेने चलेंगे, ठीक है गाइस। गाइस अभी खा लिया खाना, और अभी मैंने अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछा है, तो वो कह रहे हैं भाई मैं अपनी मतलब खा ले कैसे होके आता हूँ, मतलब वो चले गए वहाँ से सीधा, तो मतलब पता है वो यहाँ नहीं उतर पाया, वो गलत स्टेशन पर उतर गए, फिर वहाँ से उन्होंने रिक्शा पकड़ के अपने खा ले के चले गए। इसी वजह से अभी मेरा भाई का फ़ोन आया स्कूल से, वो देखो आज फ़ोन लेके गया स्कूल में, तो इतनी गलत बात है, और मैं खुद लेके जाता हूँ, पर मुझे तो काम होता है, मैं मुझे कंटेंट नहीं मिलता ना, इस वजह से मैं फ़ोन लेके चले जाता हूँ, स्कूल में कोई ना कोई कंटेंट मिल ही जाता है। गाइस अभी उसका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि आज अब मुझे लेके चले जाए स्कूल से। जल्दी से अभी टाइम क्या हो रहा है, 4:26 हो रहे हैं, चलते हैं स्कूल से उसको लेके आ जाते हैं और देखते हैं क्या होगा। अभी जल्दी से चलते हैं स्कूल में और आपको दिखाते हैं लेके आएंगे भाई को। गाइस अभी हमजा को स्कूल से लेके आ चुके हैं, और यहाँ पे ब्रिज पे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदा गड्ढा खोद रखा है, क्योंकि यहाँ पर पिलर जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, और देख सकते हैं मतलब बहुत जगह ना गड्ढे खोद रखे हैं। मैं अभी अपने फेस रिवील नहीं कर रहा क्योंकि मैं टोपी उतार के गंजा हूँ ना इसलिए। मैं अभी चलता हूँ जल्दी से घर पे, हमजा को ले लिया देख सकते हैं, फ़ोन ले गया था, इसकी जेब में है ना फ़ोन है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मना कीजिएगा कि भाई फ़ोन वोन मत लेके जाया करो, कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और बताओ कैसा बंदा मेरे को फ़ोन करके बुला रहा है कि भाई लेके चले जा मेरे को, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई खराब हो रही है मेरी, तबीयत ख़राब हो रही है इसकी, कहाँ से लग रहा है कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, बता, नज़ला खांसी हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कितना एंटिक गड्ढा खोद रखा, मतलब पिलर तोड़ ले बना के, और धूप हो रही है भाई एक नंबर। जल्दी से चल रहे हैं अब घर पे। गाइस अभी हम लोग को देख सकते हैं आ चुका है, और उन्हें ड्रेस भी चेंज कर ली। अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ चुका है कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने उसको लोकेशन सेंड कर दी अपनी, और जल्दी से अपने जूते पहन ले, क्योंकि मैंने अपने सफ़ेद वाले जूते ना मुझे धुलवा दिए थे, यानी खुद ही धोए थे मैंने, और मेरी फेस है ना इसी के मतलब यहाँ पे ना काली आ गई होगी। अभी जल्दी से हम ये शूज़ पहन ले, और मेरा दोस्त आ रहा है वो रास्ते में, हम यहाँ से बाहर चल रहे, और थोड़ी आगे चलते हैं उधर से लेके आ जाएंगे, थोड़ी बातचीत कर लेंगे। गाइस जल्दी से चलते हैं अपने दोस्त के पास, बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, पहली बार आ रहा है यहाँ पे, और देखते फिर क्या होगा, क्योंकि वो अपने खाले के आए हैं, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। उन्होंने मेरे को परसों ही बताते थे कि मैं आऊँगा, पर उन्होंने कहा था आज या कल सैटरडे, पर मुझे लगा नहीं था कि वो आ जाएंगे, पर चलो कोई बात नहीं, और यहाँ बाहर से आवाज़ आ रही होगी, जल्दी चलते हैं बाहर। गाइस अभी हमारे भाई आ चुके हैं, ये रहे हमारे अदनान भाई और रियान भाई, आए थे सिलमपुर से अपने खाले के यहाँ, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी फ़ोटो शूटिंग कराई है। हम यहाँ ऊपर आ गए थे, और अभी रियान भाई ये सब जा रहे हैं अपनी मतलब एक अपना यार हो भाई, अब जा रहे हैं नानी के मतलब यहाँ ओखला विहार। हमें यहाँ का कुछ ज़्यादा पता नहीं है ना इसी वजह से। देख सकते हैं अभी यहाँ पर गड्ढा ही खुदा हुआ है।
तो अभी नहीं जल्दी से छोड़ देते हैं भाई को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मिलता है क्या कहते हैं फटफट सेवा। सो जल्दी से नीचे चल लो। तो गाइस अभी भाइयों को छोड़ दिया हमने, अदनान और रियान को भाई, मतलब वो बहुत टाइम बाद आए थे यहाँ पे, तो मिल लिया भाई ने, बहुत अच्छा लगा हमें जल्दी से। और हमारे अंदाज हमारे साथ चल रहे, उन्हें हमने यहीं से ना आगे से रिक्शा पकड़वा दिया था। सो वो चले गए अब अपनी नानी के यहाँ, नानी के यहाँ से वो चले आएंगे उधर ही अपने घर सीलमपुर। तो अभी हो सकता है हम भी जाएं सीलमपुर, और भाई हमें दावत दे के गए हैं कि आना है आपको 24 तारीख को। हम दवाई से पूछा, हम दवाई दावत पे आएंगे। हाँ भाई चलेंगे, चलेंगे भाई ने प्यार से बुलाया, एकदम दिल से कहा है तुम्हें आने ही है भाई। सो जाएंगे ज़रूर, देखते हैं इंशाल्लाह। तो हमें क्योंकि अभी पेपर भी आ रहे हैं, 16 तारीख को एक पेपर है, फिर 22 तारीख को पेपर, और फिर बहुत तगड़ा पेपर आने वाला है शायद। सो बुलाया है 24 को ही, पर 24 आईटी ऑटो वालों का, तो आईटी ऑटो में हम है नहीं। 24 को भी है पेपर, पर आईटी ऑटो का है, पर उसमें हम है नहीं। सो गाइस अभी जल्दी से हम जा रहे हैं घर पे, और बाहर का मौसम अब तो शाम में ऐसा हो रहा भाई जहर, देख सकते हैं। और हमने करवा ली थी फोटो शूटिंग, गाइस मुझे शर्म भी आ रही है, मतलब अभी बाहर पर शर्म किस बात की, घर में तो सोच रहा हूँ व्लॉगिंग में शर्म नहीं है भाई, अपना काम है ये, तो काम करते रहो लगन से, शर्माओ मत, बस जवान जवान लड़के आए इतने तो शर्म आती है बहुत ज़्यादा। सो अभी जल्दी से चलते हैं घर पे, ठीक है गाइस। गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाइयों से मिलकर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई हमसे यहाँ पे मिलने आया, और भी कोई फ्रेंड में। सो बहुत अच्छा लगा गाइस, और दुआ करिए हम जल्दी से जल्दी यहाँ से सीलमपुर शिफ्ट हो जाए। सो अगर हम वहाँ चले गए तो हमारा कंटेंट जो है ना हमें रोज़ मिलता रहेगा, अच्छा अच्छा कंटेंट आएंगे फिर, और न्यू वीडियो आएंगे, और वीडियो एक नंबर आया करेंगे फिर आपको, बिल्कुल रोज़ वीडियो आया करेंगे। अभी तो मेरा ऐसे ही दो दिन छोड़ के एक दिन डाल जाता हूँ, अभी कुछ दिनों से मेरा वीडियो जो है ना डिले चल रहा है, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल पाता इस वजह से। सो अभी टाइम हो रहा है जैसे 7:09 हो रहे हैं। सो अभी हमारा जैसे कि आपको पता है ट्यूशन का टाइम हो रहा है, सो अभी जा रहे हैं ट्यूशन, और ट्यूशन से आते हैं फिर हम आपको और भी बातें बताते हैं, या अपनी वीडियो एंड कर देंगे, और बाकी हम कल देखते हैं, कल भी वीडियो जरूर बनाएंगे। कल जैसे कि सेकेंड सैटरडे है, कल छुट्टी है हमारी और स्कूल की, और परसों संडे है, अब देखते हैं क्या ही होगा। और भाई हमें दावत भी देखेगा 24 तारीख की, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो सीलमपुर के दोस्त हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लोग है ना वीडियो देखते नहीं, लाइक करके छोड़ते हैं, पर देखा जरूर कीजिए, क्योंकि स्किप भी मत करा कीजिए वीडियो। सो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं ट्यूशन, ठीक है गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे ट्यूशन से, और मुझे आए हुए भी 5-10 मिनट हो चुके हैं। सो अभी अपना व्लॉग अपना एंड कर देते हैं, मैं अपने इस रूम में आ गया था, उस रूम से सीधा किताब विताब रख के, तो अभी अपना व्लॉग एंड कर देते जल्दी से। सो गाइस बहुत लंबी वीडियो भी हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि छोटा वीडियो, मतलब स्मॉल जो होता है, मतलब छोटे में ही सब कुछ देखना पसंद होता है। सो इसलिए आप स्किप कर दो मेन पॉइंट के लिए, कि जल्दी जल्दी वो पॉइंट है जो दिखाना चाहते हैं ये वो। सो आप लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, इसका मतलब ये है ना। सो क्या चीज़ नहीं है, क्या क्या हुआ है, क्या मेरे बारे में। सो होम व्लॉग भी देखना पसंद कीजिए, और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए कि भाई होम व्लॉग बनाने लीजिए, तो मैं अपना होम व्लॉग, मतलब जैसे मैं जो भी करता हूँ, स्कूल गया, आया, ट्यूशन गया, आ गया, फिर खाना क्या लेके आया, क्या बना, क्या हो रहा है, क्या मम्मी बना रही है, वो भी दिखा दिया करूँगा कभी कभी। सो गाइस आप जरूर कमेंट जरूर करिए। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।